मेरा नाम डॉक्टर सुरचला है, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या आपके वजन का फर्टिलिटी पे कोई असर पड़ सकता है? अगर आप वेट करेक्ट नहीं है आपका, तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं? पहली बात तो आपको कैसे पता लगे कि आपका वेट करेक्ट है या नहीं? सबसे आसान तरीका ये मालूम करना कि आपका BMI क्या है, इसका मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन ऐप पे जा सकते हो, आजकल बहुत सारे साइट से जहाँ ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है। इसमें आपको सिर्फ आपका हाइट और वेट एंटर करना होगा और आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट होगा। ये हाइट आप अपने सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं या फीट में भी लिख सकते हैं, और जो वेट है वो आप केजीज में या पाउंड्स में लिख सकते हैं, जिससे वो कैलकुलेट हो जा सकता है। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स समझने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि कम क्या है, ज्यादा क्या है। सबसे कम कहते हैं एक्सट्रीमली अंडरवेट, सबसे ज्यादा कहते हैं एक्सट्रीमली ओबीस। अब हम देखेंगे उनके रेंजेस क्या है। अंडरवेट होना उसे कहते हैं जब 18.5% से कम BMI हो। नॉर्मल रेंज भी बात कर लेते हैं, 18.5 से 24.9 रेंज को नॉर्मल BMI रेंज कहते हैं। ओवरवेट को 25 से 29.9 रेंज कहते हैं। ओबीस 30 से 34.9 होता है और एक्सट्रीमली ओबीस 35 के ऊपर होता है। तो सबसे हानिकारक एक्सट्रीमली अंडरवेट और एक्सट्रीमली ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं। नॉर्मल रेंज में रहना प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। सो ओबीस होना या अंडरवेट होने की वजह से अंडा ठीक से ओविलेट नहीं होता है, जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि BMI किस रेंज में होने से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर 18.5 से कम BMI जिसे अंडरवेट कहते हैं वो हो, तो उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और जो अंडा रिलीज होता है वो एकदम भी रुक सकता है। 17.5 से अगर कम BMI हो तो कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने की जो डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, मेडिकल हो सकते हैं, क्लिनिकल हो सकते हैं, ये किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना और मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है अगर 17.5 से कम BMI है। थोड़ा सा नॉर्मल से कम होना BMI ठीक है, बट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि उसे नॉर्मल रेंज में कैसे लेके आए। BMI ओबीस रेंज में अगर हो, यानी कि बहुत वेट ज्यादा होने के रेंज में अगर हो, तो मेंस्ट्रुअल साइकल्स यानी कि पीरियड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शायद अंडा भी ओविलेट होता हो, बट प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, नॉर्मल वेट वेमेन से भी कम होते हैं। तो अंत में ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर बहुत अंडरवेट हो या अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। यही नहीं, ट्रीटमेंट कराने पर भी ओबीस लोगों को यानी कि जो बहुत मोटे हैं उनको सक्सेस नहीं मिलता है। ये भी देखा गया है कि IVF के ट्रीटमेंट के दौरान भी जो मोटे होते हैं उनको सक्सेस कम होता है नॉर्मल वेट औरतों से के मुकाबले। और स्टडीज ये भी दिखाते हैं प्रेगनेंसी रेट ही नहीं, मिसकैरेज रेट भी ज़्यादा होता है अगर आपका ओबीस रेंज में BMI हो, यानी कि आप बहुत ओवरवेट हैं तो आपका मिसकैरेज यानी कि बच्चे का ना रुकना गर्भ में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। यही नहीं, जब एक ओबीस औरत प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें बहुत सारे रिस्क होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, प्री एक्लैम्प्सिया या हाइपरटेंशन हो गया, या ये भी चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, प्रेग्नेंट होने के लिए भी बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। पुरुषों में भी वजन ज्यादा रहने का हार्मफुल इफेक्ट देखा गया है, ये नहीं है कि सिर्फ औरतों में होता है, पुरुषों में भी ये इफेक्ट होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटे होने के कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में घटौती होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन हार्मोन है, यानी कि इस हार्मोन के रहते ही स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। और अगर बहुत मोटे होते हैं पुरुष तो उनमें ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। इस लेवल के कम होने के कारण स्पर्म काउंट कम रहना, हरकत कम रहना, मॉर्फोलॉजी या आकार भी कम रहना बहुत कॉमनली देखा गया है। सो क्या आपका BMI कम करने के बाद ही प्रेग्नेंट होना बेहतर रहेगा? जरूर, लेकिन आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, पहले अपना वजन घटाने की कोशिश करना चाहिए, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद चांसेस इंक्रीज करने चाहिए। बट ये जान लीजिए कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आप 40 के आसपास हो, तो आप 1-2 साल वेट लॉस में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। इसीलिए आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये डिसाइड करेंगे कि आप किस रेंज में आते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम अंडरवेट हैं या बहुत ही एक्सट्रीम ओवरवेट है, ओबीस हैं। अगर इस रेंज में आते हो तो उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग रहेगा। अगर आप नॉर्मल या थोड़ा सा ओबीस और थोड़ा सा अंडरवेट हैं तो उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग रहेगा। अवश्य अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। PCOS में भी देखा गया है कि ओवरवेट रहने के कारण सक्सेस रेट कम होता है। 8-10% इनफर्टाइल यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उन औरतों में PCOS देखा गया है। और इन औरतों को ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है, मेडिकेशन या ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा देना पड़ता है सक्सेस रेट के लिए। इसीलिए अगर आप एक एंडोक्राइन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपका वेट कितना है और आपको किस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में रखने से सक्सेस रेट आपका ज्यादा रहेगा। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप अंडरवेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका सक्सेस रेट कैसे बढ़े और इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स कॉल कीजिए। थैंक यू।
हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।